हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं होम्योपैथिक मेडिसिन एक्टिया रेसिमोसा के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। एक्टिया रेसिमोसा अमेरिका के एक प्रकार के वृक्ष के टिंचर से तैयार होता है। इसका एक दूसरा नाम है सिमिसिफ्यूगा रेसिमोसा। स्त्रियों की नाना प्रकार की बीमारियों में तथा वात रोग में ही इसका अधिक व्यवहार होता है। इसके मानसिक लक्षण लगातार क्षोभपूर्ण और सुस्त रहना, नींद न आना, रोगी सोचता है कि मैं पागल हो जाऊंगा, जी घबराता है और लंबी सांस लेता है। यह मेरुरज्जा के स्नायु यानी स्पाइनल नर्व्स और उसके ऊपरी अंश पर यानी अपर पार्ट ऑफ द कार्ड अपनी क्रिया प्रकट करके मस्तिष्क झिल्ली के प्रदाह यानी मेनिंजाइटिस के प्रायः अधिकांश लक्षण और शरीर की बाईं ओर अधिक क्रिया प्रकट करता है। इसके लिए इसके द्वारा बाएं डिम्बकोश यानी अंडाशय यानी ओवरी, डिम्बकोश का स्नायविक दर्द, बाएं उर में स्नायविक यानी नर्वस पेन, बाईं ओर की गर्दन और कंधे में दर्द, वात गर्दन कड़ी या कड़ जाना इत्यादि नाना प्रकार की बाएं अंगों की बीमारियों में लाभदायक है। चरित्रगत लक्षण, सूतिका उन्माद, मन में ऐसा समझना कि पागल हो गई है, अपने को नष्ट कर देने की चेष्टा करना, ऐसा सोचना कि एक गहरा काला बादल उसे ढके हुए है और चारों ओर अंधेरा है, आंखों में स्नायुशूल का दर्द, चक्षु गोलक में तेज दर्द और उस दर्द का होना कनपटी में माथे के बीच के मार्ग में और क्रमशः गर्दन के पिछले भाग तक उतर आना, जरावी या डिम्बकोश की प्रत्यावर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से हृदय में दर्द, एकाएक हृदय की क्रिया बंद सी हो जाना, इससे श्वास रुक सा जाना, जरा हिलने डुलने से ही कलेजा धड़कना, बाएं अस्थि के नीचे तेज दर्द होना, अनियमित और तकलीफ के साथ ऋतुस्राव होना, सर्दी लग जाना, मानसिक गड़बड़ी की वजह से और ज्वर आदि कारणों से देर से ऋतु का होना या ऋतुस्राव का रुक जाना, ऋतु के समय तांडव या कोरिया रोग का होना, गुल्म वायु जिसे हिस्टीरिया भी कहते हैं, मस्तिष्क व मानसिक गड़बड़ी इत्यादि परेशानियों का होना, गर्भावस्था में वमन, नींद न आना, प्रसव के बाद का दर्द, तीसरे महीने में गर्भ का स्राव हो जाना, प्रसव के दर्द के समय भयानक कंपकपी, जाड़ा मालूम होना, मानसिक विकार, जरायु का मुंह कड़ा, अकड़न का दर्द होना, गर्भ के अंतिम 2-1 महीने में इसका प्रयोग करने पर प्रसव की तकलीफ घट जाती है, गर्दन, मेरुदंड, पीठ और कमर में वात की तरह का दर्द होना, वात रोग वाली स्त्रियों का बाधक दर्द, दर्द की गति बिजली की लहर की तरह आना इत्यादि रोगों में बहुत अच्छा काम करती है। ये इसके चरित्रगत लक्षण हैं। मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क झिल्ली के प्रदाह, सभी मत के चिकित्सकों को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इस रोग की प्रायः दवा है ही नहीं, इसमें फीसदी 90 से 95% की मृत्यु हो जाती है। यदि आपके हाथ में कोई रोगी आए और कोई दवा देकर यदि फायदा न दिखा दे तो वृथा समय नष्ट न करके पहले सिमिसिफ्यूगा 3x पोटेंसी 1-1.5 या 2 घंटे के अंतर से 5-6 मात्रा प्रयोग करके अंत में मेडोराइनम 200 शक्ति 1 मात्रा खिलाकर 4-5 घंटे तक रहा देखें। यदि पूरा पूरा फायदा न दिखाई दे तो अंत में लाइकोपोडियम 200 पावर की 1 मात्रा और आंखें लाल रहने पर बेलाडोना का प्रयोग करें, बहुत संभव है इसी से लाभ हो जाए। इस पुस्तक में लिखा है जिंकम का अध्याय भी पढ़ें। स्त्री रोग, जरायु की बीमारी, उसमें कांटा गड़ने की तरह दर्द होना, तलपेट में एक ओर से दूसरी ओर तक दर्द का जाना, यह दर्द तीर की तरह तेजी से परिचालित होता है, कमर में तेज दर्द, जरायु में
प्रसव के दर्द की तरह का वेग और दर्द, उससे ऐसा मालूम होना कि योनि द्वार से पेट की सब नस नाड़ियां बाहर निकल आ रही हैं। दोस्तों, एक ओर से दूसरे ओर का दर्द होना आप कई सारे पेशेंट के अंदर सुनते होंगे कि एक तरफ से नीचे की तरफ दर्द दूसरी तरफ चला जाता है, तो उसमें यह बहुत लाभदायक दवा है। वात से पैदा हुआ बाधक का दर्द, ऋतु अनियमित, कभी कम कभी खूब अधिक, कभी समय पर कभी देर से कभी पहले ही हो जाना, सिर में दर्द, कुल्हे और उर में भार मालूम होना, उर यानी पेट और दर्द इत्यादि इसके विशेष लक्षण हैं। एक्टिया रेसिमोसा में समय पर होने वाला ऋतुस्राव परिमाण में अधिक ही होता दिखाई देता है। एक्टिया प्रसूताओं को तीसरे महीने गर्भस्राव में सेबाइना पेविस को आप कंपेयर कर सकते हैं। कष्टकर प्रसव का दर्द, उसके साथ ही मूर्छा, प्रसव के बाद का तेज दर्द, दर्द उरु यानी पेड़ों तक चला जाना, बाईं छाती में अस्तन में भीतर की ओर सुई गड़ने की तरह का दर्द इत्यादि में देने से विशेष लाभ होता है। गर्भवतियों को यदि नवे महीने इसका सेवन कराया जाए तो प्रसव आराम से होता है। प्रसव के बाद लोकिया का स्राव, पीप की तरह का क्लेत का जो स्राव होता है, बंद होकर या किसी दूसरे कारण से बुखार, सिर में दर्द, विकार का लक्षण, प्रलाप, बकना, चिल्लाना, भूत का भय, उन्मादसा होना इत्यादि उपसर्ग दिखाई दें, तो उसमें बेलडोना, एस्ट्रामोनियम, हायरसाइमस के लक्षण रहे तो भी पहले सिमिसिफिगा का प्रयोग कर देखना उचित है। सौरी में ही प्रसूताओं को उन्माद रोग हो जाने पर इससे बहुत फायदा होगा। प्रसव के बाद जरायु में संकुचन के लिए यह अर्गट यानी सिकल की अपेक्षा भी ज़्यादा फायदा करती है। गर्भावस्था की मिचली और वमन में भी इससे लाभ होता है। प्रसव का दर्द, दर्द के समय प्रसूता को मूर्छा आ जाने का भाव यानी नर्वस और हिस्टेरिकल स्नायविक या हिस्टीरिया के कारण, गर्भाशय का मुंह कड़ा बना रहना, डॉक्टर हेरिंग का कहना है सौरी में पहले पहल दर्द आरंभ होने के समय, यदि जच्चा को कपकपी हो जाए, खास तो अगर वह डर से कांपती हो, इससे बहुत फायदा होता है। सिमिसिफ्यूगा के साथ कालोफाइलम में दर्द का प्रभेद देखें। सिमिसिफ्यूगा, प्रसव का दर्द बहुत देर तक अस्थायी होता रहता है, यहाँ तक कि पहली बार आरंभ होने के समय भी दर्द बहुत देर तक बना रहता है। दर्द तलपेट से कमर में चला जाता है, गर्भाशय की पेशियाँ कड़ी रहती हैं। कालोफाइलम में इसका दर्द बहुत थोड़ी देर ठहरता है यानी क्लोनिक होता है। दर्द प्यूबिक अस्थि के ऊपर, तलपेट के नीचे जननेन्द्रिय की जड़ की हड्डी को प्यूबिक हड्डी कहते हैं, इसको विटपास्थि भी कहते हैं, ठहरता है और वहाँ एक तरह का अकड़न का दर्द होता है। ऐठन के दर्द की तरह दर्द और जरायु की पेशी क्रमशः क्षीण हो जाती है। ऐसे में मदर टिंचर या 2x पोटेंसी के 2-1 बूंद की मात्रा में आधे घंटे के अंतर से प्रयोग करना चाहिए और गर्म पानी बोतल में भरकर पेट पर सेक दें। वात, शरीर के सारे मांस भरे स्थानों में वात, विशेषकर पैर की पोटली में बेरी अब्दो मसल्स जिसे कहते हैं, दर्द होना, कंधा, गर्दन, कमर, पीठ और पसलियों के भीतर इंटरकोस्टल जो दर्द होना, यदि यह जरायु की किसी भी तरह की बीमारी के साथ हो तो एक्टिया और भी अधिक लाभदायक है। कालोफाइलम और सिमिसिफ्यूगा के सदिश दवा है। जरायु की बीमारी के साथ छोटी छोटी संधियों में वात होने पर इसे और अधिक लाभ होता है। सिमिसिफ्यूगा के वात का दर्द हिलने डुलने पर बढ़ता है, पर ब्रैनिया की भांति प्रत्येक बार हिलने डुलने पर नहीं बढ़ता है। इसका दर्द बहुत कुछ रस्टॉक्स की तरह होता है और पहली बार हिलने डुलने के समय बढ़ता है, पर रस्टॉक्स में जितनी बार हिलता डुलता है उतनी बार दर्द घटता है, सिमिसिफ्यूगा में वैसा नहीं होता। कमर के वात में मैक्रोटिनम लाभ करता है। नितंब और कमर की हड्डी में दर्द, उसका उर तक चला जाना। एक्टिया स्पाइकेटा, हाथ पैर की उंगलियों, कलाई, अंगूठों, छोटी अस्थियों, छोटी संधियों, स्मॉल ज्वाइंट्स, हाथ पैर के पोर इत्यादि की वात और सूजन में, सूजन का रंग लाल, उसमें बेहद तकलीफ, छुआ न जाना इत्यादि लक्षणों में इससे विशेष लाभ होता है। इसका दर्द कभी कभी जगह बदला करता है। कलाई के वात में यह सबसे अधिक लाभदायक है।
जगह बदलने वाले दर्द में कालीबाइक्रोम, कालीसल्फ, पल्सटीला, लैकेनाइनम, मैग्नम, लिडमपाल, कालमिया, रोडोडेंड्रॉन, कॉल्सिकम आदि भी फायदेमंद हैं। खांसी प्राय सूखी और कष्टकर खांसी, रात में बढ़ जाना, गले में सुरसुरी होकर खांसी, स्नायविक खांसी, बोलने की किस्म खांसी का बढ़ना, इसके साथ ही पीठ में दर्द और प्लूरोडाइनिया की तरह कलेजे के बगल में सुई गड़ने और वात की तरह का दर्द होना। कलेजे के पास दर्द रहने पर सिमोसिफ्यूगा और भी लाभदायक है, रेनन प्लस को कंपेयर कर सकते हैं। स्नायुशूल का दर्द, डायफ्राम पेशी जिसे वक्षोदर मध्यस्थ पेशी में कहते हैं, में शूल का दर्द, जरा जोर से सांस लेने, खांसने, सोने पर भी दर्द बढ़ता है। डायफ्राम का मध्य भाग अग्रखंड के नीचे और दोनों सिरे सातवें पंजर के नीचे रहता है। आँख की बीमारी, आँख की पुतली और भौहों के पास में बहुत दर्द होना, उसके साथ ही माथे में दर्द की प्रकृति, धक्का देने या तीर विधने जैसी, ऐसा दर्द बाईं आँख पर ही अधिक होता है। अनिद्रा, कॉफिया वगैरह की तरह यह भी नींद न आने या अनिद्रा की एक महा औषधि है। डॉक्टर टेलकट का कहना है कि जिन लोगों में पहले अफीम खाने की आदत रही हो उनकी अनिद्रा की बीमारी में यह खासा फायदा करती है। बच्चों को दांत निकलने के समय मस्तिष्क में दाह और अनिद्रा में एक्टिया काम करती है। सिमिसिफ्यूगा की उग्र वीर्य औषधि है मैक्रोटिनम। सिमिसिफ्यूगा के लक्षण रहने पर भी उससे फायदा न हो तो मैक्रोटिनम 3x6x ट्रैचुरेशन या छठी शक्ति डेमकोश और जरायु की बीमारी में तथा बाधक के दर्द में मंत्र की तरह फायदा करती है। मैक्रोटिनम कमर के दर्द में यानी लंबैगो में ज़्यादा लाभदायक है, इससे प्रायः सब तरह का कमर का दर्द आरोग्य होता है। यूपियन में कमर में भयानक दर्द, रोगी को कुछ पकड़ कर खड़ा होना पड़ता है। हृदय, एंजाइना पेक्टोरिस यानी हृदय शूल, हृदय की क्रिया एकाएक बंद होकर श्वास में कष्ट, असमान कांपती हुई नाड़ी, बाई ओर के स्तन के भीतर के नीचे दर्द, वृद्धि, छूने पर, शरीर हिलाने पर, ठंडी हवा से, गर्म घर में, रात में, सवेरे और संध्या में, ऋतुस्राव के समय, स्राव की मात्रा के अनुसार दर्द का घटना बढ़ना, ह्रास, विश्राम करने पर, निर्मल वायु से, उत्ताप से और भोजन करने के बाद, संबंध, जरायु और वात के दर्द में कालोफाइलम, पल्स, विलियम, सिपिया, क्रियानाशक एकोनाइट, मैपीशिया, क्रिया का स्थिति काल 6 से 12 दिन, क्रम 2x से 30 पोटेंसी। तो दोस्तों ये सारी जानकारी रही आज सिमिसिफ्यूगा के बारे में, जिसे एक्टिया रेसिनोसा भी कहते हैं। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।